हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट के यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, और इसको नोट भी कर लीजिएगा और छोटे छोटे नोट्स अपने बनाते हुए चलिए, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज़ कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। और ये इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे बैचेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें 8287129712 पे, ठीक है। इस पे जाकर के आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और यहाँ पर इस पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज और आपके कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से। और टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कर लीजिएगा, जिसमें कि आपके लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 हमें यहाँ से मिला था। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस बार स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, JNU, BHU, DSE एंड अदर यूनिवर्सिटीज, HCU जैसे IGIDR, और अगर हम बात करें गोखले के लिए, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है सेंसस। सेंसस की बात करें तो पहली बार जो इंडिया का बिफोर इंडिपेंडेंस जो सेंसस कंडक्ट हुआ था वो 1872 में आपके कंडक्ट हुआ था। और अगर हम रेगुलर सेंसस की बात करें, जो पहली बार आपके जनगणना हुई थी आपके रेगुलर में, वो आपके 1881 में हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। और कस्टोडियन कौन है सेंसस डेटा का, आपके रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, RGCC है आपका यहाँ पर कस्टोडियन। अगर हम बात करें इस बार जो 2011 में सेंसस हुआ, अभी आपका 2021 में सेंसस कंडक्ट होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड रीजंस आपके नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब हम बात करेंगे कि सेंसस 2011 का था वो आपका कौन सा सेंसस था। तो जो नेशनल सेंसस की बात करें तो वो 15वां था। मतलब अगर हम बात करें कि आपके जब से शुरू हुआ है सेंसस और अभी तक टिल दिस डेट, तो आपके वो आपके 15th सेंसस रहा था, ठीक है। बट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, आज़ादी के बाद का कौन सा ये सेंसस रहा है, तो 7th सेंसस रहा है। और इसका मोटो आपको याद कर लेना है, अवर सेंसस एंड अवर फ्यूचर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और एट प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें अगर इंडिया के, तो 142.8 करोड़ जो है आपके पॉपुलेशन है इंडिया का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अब इंडिया जो है आपके मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने के आपके आगे ही अब बढ़ रही है। और अगर हम बिलियंस में बात करें तो 1.3 बिलियन जो है पॉपुलेशन इंडिया में है, जिसमें कि अगर हम बात करें 30% इंडियन पॉपुलेशन जो कि अर्बन एरिया में रह रही है, ठीक है, अर्बन एरिया में आपके रहती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके इंडियन पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड है, वो आपके 2000 इथनिक ग्रुप्स हैं और 1600 आपके लैंग्वेजेस यहाँ पर बोले जाते हैं। लैंग्वेज की याद बात रखिएगा याद कि 1600 आपके लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और आपके डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स हैं, लगभग 2000 आपके इथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये आपके थोड़ा सा मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया के पॉपुलेशन की ग्रोथ की, किस तरीके से आपके इंक्रीज़ हुआ है, तो सबसे पहले स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाती है, ठीक है। स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ आपके रहा है, ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ आपके 1901 से लेकर के 1921 तक रहा है, ठीक है। इस पीरियड में आपके पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आफ्टर दिस अगर हम बात करें, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं हम लोग, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसके बाद हम बहुत तेज़ी से देखते हैं कि आपके पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है, तो ये आपका है 1921, ठीक है। ग्रेट डिवाइड जो ईयर ऑफ पॉपुलेशन है वो आपका क्या है, 1921 है। आफ्टर दिस इसके बाद हमें स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी देखने के लिए मिलता है। तो स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ आपके कब रही है, 1901 से लेके 1921 तक रहा है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपके 1921, 1921 को हम जो है आपके ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। अगर हम बात करें स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ आपके किस ईयर में रहा है, तो ये आपका है 1921 से लेके 1951 तक जो है स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब इसके बाद जो है बहुत तेज़ी से आपका पॉपुलेशन बढ़ता है, वो आपका ये है 1961 से लेकर के 71 तक आता है, ठीक है, 1971 तक जो है हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और आफ्टर दिस आपकी अगर हम बात करें 1981 से 2011 वाला डिक्लाइनिंग हाई है ग्रोथ पॉपुलेशन का, बट डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलती है।
सो ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ आपके कहाँ पर रहता है, मतलब आपके स्टेबल पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, तो 1901 से आपके 1921, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपके 1921 है। फिर इसके बाद स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है 1921 से 51 तक। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर आपको याद रखना है 1961 से 71 तक, ये 10 साल का जो डिकेट है इसमें आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाता है। फिर आपके इसके बाद हाई बट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है आपके 1981 से 2011 तक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपका है उत्तर प्रदेश, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से आपके 1901 में एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या था, चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर। अगर हम 1901 से लेकर के 1901 में देखेंगे, 1901 में, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपके 3% से एनुअल ग्रोथ रेट आपके 0.3 से ग्रोथ कर रहा था, ठीक है। फिर 1911 में क्या होता है, 0.5 से ग्रोथ करने लगता है। फिर आफ्टर दिस 1921 में क्या हो जाता है, आपके नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि पॉपुलेशन आपके जो है बढ़ने लगती है 1951 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि पॉपुलेशन आपके 2.21% से जो है ग्रोथ करने लगती है। और 2011 का जो ईयर था वो आपके, उसमें आपका पॉपुलेशन ग्रोथ 1.41% से एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिल रहा था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस ईयर में, किस साल में आपको देखने के लिए मिला है, 1981 में, जो ये जो 1981 था उस समय आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 2.25% से आपके हो रहा था। यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो ईयर है वो आपको याद रखना है 1961 टू 71, पॉपुलेशन पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर चुका है, ठीक है। आफ्टर दिस पॉपुलेशन पॉलिसी भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो आपको याद रखना है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 है, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ आपका 1901 टू 21 है, और स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हमें जो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है पॉपुलेशन में, दैट इज़ 1921 टू 51 है। और फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 61 टू 71 में होता है। आप देखेंगे उस एरा में आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था आपके किस स्टेट में, अगर हम बात करें पंजाब और आपके उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सारे रीजन में नहीं रहा था, आपके बेसिकली जो हरियाणा से सटा हुआ एरिया है उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, और हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्लियर है। और ये इम्पॉर्टेंट भी था आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जैसे ही और भी कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे दिखेगा हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जुड़िएगा चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको टॉपिक्स लगातार इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।